जय श्री श्याम जी। आज मैं अपने भाई से मिलने गुड़गांव जा रही हूँ और आज मेरे को बहुत टाइम बाद बस में जाने का मौका मिला है, क्योंकि मैं स्कूटी पे जाती और स्कूटी पे इसलिए नहीं जा पाई क्योंकि बड़े वाले बेटे का पेपर था आज। तो मैंने सोचा चलो आज बस में चलती हूँ। पूरे 2 साल बाद मैंने आज बस में घुमाई की है। और ये देखिए, अब मैं आपको गुड़गांव का नज़ारा दिखाती हूँ। ये देखिए, मैं पूरे 2 साल में आई हूँ, यहाँ पर सारा रास्ता खराब कर रखा है। गुड़गांव पहचानने में भी नहीं आ रहा कैसा है। और भला 15 मिनट खड़ी रही वहाँ पर बस की वेट में, 15-20 मिनट। देखिए एंजॉय कर रहे हैं आज हम। मौसम तो हो जाना चाहिए, मौसम तो बढ़िया हो रहा था, सुबह चली जाता काम हो जाना चाहिए, बाकी और को भी ना जाना है भाई, काम हो जाना चाहिए, बार बार ना आया जाओ। कोई नहीं बता रहा, मैं और भाई थोड़ा सा काम के लिए आए हैं यहाँ गुड़गांव में, वो भी काम हो जाएगा, बस गुड़गांव के लिए निकलती हूँ। आपको दिखा रही हूँ यहाँ का वातावरण कैसा शुद्ध है, शुद्ध हवा है। दोस्तों गुड़गांव में कितना सुंदर लग रहा है, ये डिप्टी एडीओ ऑफिस है, देखो हरियाली कितनी अच्छी लग रही है। और ये देखिए, आज तो मज़े आ रहे हैं, बारिश का भी मौसम हो रहा है और घूमना भी अच्छा लग रहा है। कभी कभी घर से बाहर भी निकलना चाहिए घूमने के लिए, दिमाग रिलैक्स हो जाता है और मस्त हवा लग रही है। और हमारे हरियाणा की तो बात ही कुछ अलग है, हरियाणा तो हरियाणा ही है भाई, दूध दही का खाना, यह मेरा हरियाणा। अब मैं पहुँच निकल रही हूँ वहाँ से, डीओ ऑफिस से, और अब मैं घर के लिए जा रही हूँ, बस में बैठूँगी। आज आपको बता देती हूँ कि पहले मम्मी और पापा के साथ आती थी यहाँ पे मार्केट में, तो आज वो याद आ रही है। और कभी बचपन में ही आए थे, घर से निकलना तो होता नहीं था, बाहर ही नहीं निकलने देते थे भाई, तो इसलिए मैं दिखा रही हूँ। देखो यहाँ की मार्केट दिखा देती हूँ, गुड़गांव की मार्केट है। आज वही सब पुरानी यादें ताज़ा हो रही है। ये देखिए, गंदगी बहुत फैला देते हैं ये खड़े रहने वाले, कोई रेडी वाले, कोई फ्रूट वाले, कोई कपड़े वाले, सब गंदगी फैला देते हैं। फूकना तो बंद होता नहीं इनका। और यहाँ पे ये देखो फ्लाईओवर बन रहा है, सारा रास्ता चेंज हो गया, सब कुछ चेंज हो गया पहले से, तो पहचान में भी नहीं आ रहा। अच्छा उतार दिया, मैंने बोला था डोमिनोज के पास उतार दे भाई, मैं नज़दीक उतर जाऊंगी, लेकिन रोका ही ना, क्योंकि रोडवेज थी, रोडवेज वाले कहाँ रोकते हैं, प्राइवेट वो तो रोक देते हैं जहाँ मर्जी रुको। चलो दोस्तों अब मैं घर आ गई हूँ, अब मेरे को बना बनाया खाना मिलेगा क्योंकि मैं रोटी नहीं बना के गई थी। साइन करी आई मैं, और देखो इनका तला हुआ बंद है फिर भी पूरी बना रहे हैं, और मेरे को पक्का पता था कि आप पूरी बनाओगे, इसलिए मैं तेल कम छोड़ के गई थी कढ़ाई में। जब आपका भाई तला हुआ बंद है तो आप क्यों पूरी बना रहे हो, सुबह खिला दी थी ना मैंने आपको पूरी, बोलो बोलो।
ड्यूटी पे लेट हो रहा था। हाँ बस ड्यूटी पे लेट, डेढ़ दो बज रहे हैं अब, लेट तो ही रहे हो। रोटी आप अपनी बना ले जाते हैं ना। ये जय श्री श्याम भक्त है, इनके आने से हमारे घर के रौनक बढ़ जाती है। देखिए देखो, ये बोलते ही नहीं है। अच्छा। सब कहते हैं अंकुर पता नहीं कैसे होता जा रहा है, अंकुर कैसे होता जा रहा है। और ये देखो पूरी का तो लाजवाब ही नहीं है, भैया खाना बना रहे हैं और ये खाना खा रहे हैं, ऐसी तो बात ही क्या है। वैसे एक बात है, भाभी के जाने से है ना तुम सबकी मस्ती हो जाती है ना। वाह भाई वाह, ताजे ताजे। फिर तो और एक बात और बता दूं आपको, ताकि मैं इतनी जल्दी आने वाली हूँ। सब पूछ रहे थे जल्दी कैसे आ गई, अब मैंने इनकी चोरी पकड़ ली। देखो बताओ भाई, पूरी बना बना के खा रहे हैं। आता है भाई, चलो मैं बनाती हूँ तुम खाओ। नाया भी नहीं है, कभी नहीं नाता है, बेइज्जती कराता रहता मेरी। दिखाओ तो उसको, तीन दिन में एक बार नाया भी नहीं है। ए बुआ के घर में देखो सब नागे रहते हैं। और देख तू, थोड़ा बहुत तो चेंज होना चाहिए था। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बस आज तो मैं सुबह से घूमने में ही लगी हुई हूँ। जय श्री श्याम।